हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी दर्शकों को हार्दिक बधाई। दोस्तों, पानी गीला क्यों होता है, आइए इसी के बारे में हम जानते हैं कि पानी गीला क्यों होता है। वेद अंततः केवल एक शब्द है और ये शब्द केवल पानी पर ही लागू होता है। जैसा कि हम गीलापन महसूस करते हैं, वो वास्तव में शीतलता है, क्योंकि पानी वाष्पित हो जाता है। भौतिक संस्थान में इसका एक प्रयोग है, उस प्रयोग की मदद से भी हम ये जानते हैं कि पानी गीला क्यों होता है। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए हम दो गिलास लेते हैं, दोनों अलग अलग गिलास में। एक गिलास में हम खाना पकाने का तेल भर के रखते हैं, दूसरे गिलास में हम पानी भरते हैं। दोनों को कमरे के सामान्य तापमान पर हम एक दिन या एक रात के लिए रखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, पानी वाष्पित हो जाता है और खाना पकाने का तेल वाष्पित नहीं होता। तो दोस्तों, मैंने इस प्रयोग को करने के लिए शाम को ही दो अलग अलग गिलास में, एक गिलास में खाना पकाने का तेल तथा दूसरे गिलास में पानी भरकर कमरे के सामान्य तापमान में रख दिया था। आइए अब दोनों गिलासों को देखते हैं, प्रयोग करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर पानी गीला क्यों होता है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये आपके सामने वो दोनों गिलास हैं। एक गिलास में खाना पकाने का तेल है, दूसरे गिलास में पानी है। अब हम इसका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, इसका अध्ययन करने के लिए दोनों कपों में अलग अलग तर्जनी को डुबोया जाता है और फिर उसका अध्ययन किया जाता है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम खाना पकाने के तेल में अपने एक हाथ की तर्जनी डुबोते हैं। तो दोस्तों, ये रहा सरसों का तेल, आप देख रहे हैं, और इसमें मैं अपने दाहिने हाथ की तर्जनी को डुबोता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं, मेरी पूरी तर्जनी इसमें डूब चुकी है। अब दोस्तों, हम पानी वाले कप को लेते हैं और पानी वाले कप को में हम अपने दूसरे हाथ की तर्जनी को डुबोएंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे, ये मेरे हाथ में पानी का गिलास है और ये मेरा बाया हाथ है, बाया हाथ की तर्जनी को अब मैं इस पानी वाले गिलास में डुबोता हूँ। तो दोस्तों, देखिए, मेरी उंगली पूरी तरह से इसमें डूब चुकी है, आप देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, और मैंने अब इस उंगली को भी निकाल लिया है और अब मैं ये दोनों कफों को साइड में रख देता हूँ। अब दोनों उंगलियों का अध्ययन करते हैं और देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है। तो दोस्तों, दोनों उंगलियों को इस प्रकार से हम काफ़ी देर तक रखते हैं और उसके बाद में अध्ययन में हम ये पाते हैं कि ये सरसों में डुबोई गई तर्जनी थी, इसको हम देखते हैं जैसे कि तैसी बनी हुई है। परंतु वहीं जो उंगली हमने पानी में डुबोई थी, वो उंगली धीरे धीरे सूखने सी लगी है और कुछ देर बाद ये पूरी तरह सूख जाएगी। तो दोस्तों, इससे भी ये स्पष्ट हो गया कि पानी गीला होता है। दोस्तों, तरल पदार्थ सतहों को गीला कर देता है, अर्थात वे अणुओं के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक विपरीत आवेश बलों के कारण कई ठोस सतहों पर चिपक जाते हैं। जल ध्रुवीय होता है, इसमें विद्युत आवेश का असामान्य प्रसार है जो अणु के एक छोर को सकारात्मक बनाता है, वहीं दूसरा छोर नकारात्मक को समाप्त करता है। यह पानी को कई सतहों पर आकर्षित करता है और पानी के अन्य गुणों की व्याख्या करता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि पानी गीला क्यों होता है। फिर भी अगर किसी दर्शक के मन में कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, मैं उस सवाल का भी जवाब दूंगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ये मालूम चल सके कि आखिर पानी गीला क्यों होता है।
इसी के साथ दोस्तों जय हिंद।